हारे कहाँ थे बेटा? मामा वो मैं मेहरबानी तुम्हारी की तशरीफ ले आए हो। सॉरी मामा, बस थोड़ा काम था तो इसलिए देर हो गई। ऐसा कौन सा जरूरी काम था और तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था? मामा वो बैटरी डाउन थी इसलिए फोन बंद हो गया, मैं अभी चार्ज पे लगा कर आता हूँ। रुको, अंदर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, जल्दी से रेडी होकर आओ क्विकली। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम। ओ बेटा नौशीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक बेटा। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। ओ थैंक यू सो मच। तुम्हारा ड्रेस तो बहुत एलिगेंट और प्यारा लग रहा है। ओ थैंक यू सो मच। बेटा बैठ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। वैसे आज तुम कैसे आ गए? सॉली ये तो मौजा हो गया। बस माँ का हुक्म कैसे टाल सकता था, माँ ने कह दिया कि आज दावत में आना है तो आना है। सोले आज तो बेटा काबू में आ गया है, अब जल्दी से लड़की देखकर इसका रिश्ता तय कर दो। एक्सक्यूज मी, मैं अपना अदर फोन लेकर आया। देख के नहीं चल सकते, अभी सारा पानी मेरे कपड़ों पे गिर जाता। एक्सक्यूज मी, May I help you, Miss Amber? Harib? Lavak, आप जाएं। वही बाल, वही आंखें, वही नाक, दांत भी वही। मगर इन दांतों पे ब्रेसेस होते थे, उतर गए क्या? Harib? जी, मैंने तो सिर्फ ब्रेसेस का पूछा है, कहाँ गए? शराब, तो पहले ही उतर गए थे। Oh, I see. Actually, मुझे बातें भूलने की आदत है। Well, eat almonds. वैसे तुम्हारी भी जल्दी गुस्सा करने की आदत वैसी की वैसी ही है। Okay, stop teasing me now. हर बेटे वैसे तुम्हारी तबीयत में शरारत अभी भी वैसी की वैसी है। Anyways, how's your study going? A1. हारिब तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स पे काफी इन है ना? जी आंटी, अब तो नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेल रहा हूँ। That's good. Well, अब तो मैं यही कहूंगा कि तुम स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने बड़े भाई से बिजनेस टैक्टिक्स भी सीखना शुरू कर दो। एक्चुअली अंकल, मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सीख के क्या करना है? हाँ बेशक हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत पैसा है, तुम्हें इसी तरफ आना चाहिए। Well, I prefer following my dreams and passion. और जो चीज ऑलरेडी आपके पास है उसमें मजीद अचीव करना ड्रीम तो ना हुआ। मेरा ख्याल है खाना खा लिया जाए, गपशप तो चलती रहेगी। क्यों मिसेज अमान? जी जी चले। प्लीज आइए ना प्लीज। हारिब, कब अकल आएगी तुम्हें? ये कोई तरीका है मेहमानों से बात करने का? मैं तो शर्मिंदा होकर रह गई। मिसेज अमान का मूड देखा था आपने, उसके बाद एक दफा भी मुस्कुराकर बात नहीं की उन्होंने मुझसे। बाबा मैंने ऐसी कौन सी बात की है? जस्ट अपना ओपिनियन ही दिया है ना, ये बताया कि मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाट? क्यों? क्यों नहीं इंटरेस्ट? चलो मान लिया अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो किसी का दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। बाबा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर नहीं है कि पहली बार ही सच बोल दिया जाए? अरे लोगों से ताल्लुकात बनाना और पीआर बनाना सीखो, वरना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। और मैंने ये दावत रखी इसीलिए थी कि तुम अंबर से मिल लोगे, दोनों फैमिलीज अच्छी तरीके से मिल बैठेंगी, एक दूसरे से बातचीत कर लेंगी, लेकिन तुमने तो मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दी। मामा बाबा आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हमें है परवाह, कल जिस फैमिली में हमने तुम्हारी शादी की बात तय करनी है, अगर उस फैमिली के साथ तुम सीधे मुंह बात नहीं करोगे
तो हम तुम्हारी और अंबर की शादी की बात कैसे तय करेंगे? What? मेरी और अंबर की शादी? तुम्हारी और अंबर की शादी? क्यों, क्या हुआ? बाबा मैं अंबर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। हाँ हम तो सोचते हैं ना, और जो हम सोच रहे हैं वो तो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। बेहतरी? कैसी बेहतरी? मुझसे मेरी राय तो ले लेते, मैं तो अंबर को इस नजर से देखता भी नहीं हूँ। तो आज से देखना शुरू कर दो। बेटा हम कौन सा तुम्हारी शादी अभी कर रहे हैं? तुम दोनों आपस में मिलो, बैठो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर साल दो साल बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मामा प्लीज, फिलहाल मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे अगले 5 साल शादी करनी है। मुझे अपना करियर बनाना है, शादी करके टेंशन नहीं पालनी है। इसमें टेंशन की क्या बात है? अंबर जैसी लड़की से शादी करना टेंशन ही है बाबा। Stop it now. Go to your room and relax. फिलहाल अपनी स्टडीज पे फोकस करो। मकसद ये था उस फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करो, that's it. मगर बाबा बस मजीद कुछ नहीं सुनना मैंने, जाओ यहां से। लगता है एब्स्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं आप। लगता है काफी मसरूफ हैं आप। कोई काम था आपको? जरूरी है कि आपके पास मैं सिर्फ काम से आऊं? इतना पैसे भी तो मिल सकता है गपशप लगाने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। क्वालिटी टाइम मेरे साथ? क्यों मेरे साथ? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बैठ के मुझे बातें करना अच्छा लगता है। क्या कहा आपने? तुम? हाँ तुम में बहुत बेतकल्लुफी होती है और आप में बहुत तकल्लुफ। वैसे आप, मेरा मतलब तुम चाहो तो तुम भी मुझे तुम कह सकती हो। जी नहीं, मुझे आदत नहीं है किसी से भी इतना बेतकल्लुफ होने की। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे, तुम मुझे एक ज़हीन और मॉडर्न लड़की लगती हो, फिर ऐसा लिबास क्यों? इंटेलिजेंस और मॉडर्निज्म का ताल्लुक आपके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि आपके सोच से और आपके अंदाज से। और जहां तक बात है मेरे लिबास की, तो ऐसे लिबास में मैं खुद को पुरसकून महसूस करती हूँ। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास है। तुम सबसे मुख्तलिफ हो ईमान, ना जाने क्यों हर गुजरता दिन मुझे तुम्हारे करीब करता जा रहा है। अरे अरे रुको तो, क्या बात है यार? अभी तक नाराज हो यार? अब नाराजगी की क्या बात, माना कि सारी गलती हमारी थी। चल यार शानी छोड़, आखिर इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है। आओ यार हारी बैठो, छोड़ो यार हाथ मिलाओ, आओ यार। चल अब गुस्सा छोड़ ला। चल ये हुई ना बात। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि जनाब को वो लड़की पसंद आ गई है। हाँ यार, ना जाने क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है। उसकी बातों से मुझे इस जिंदगी की उलझनों का जवाब मिल जाता है। यार लगता है हारिब पहले से ज्यादा सीरियस हो गए। यार पहले हारिब कौन सा हमारी तरह था, मगर अब कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया। जाहिर है बोरिंग लड़की के साथ घूमेगा तो बोरिंग और संजीदा ही होगा ना, और क्या? अरे नहीं यार, वो बोरिंग लड़की नहीं है, उसकी बातें बड़ी गहरी और दिलचस्प होती हैं। जैसे कि? अरे हमें भी तो बताओ कैसी बातें करती है वो तुमसे, जो तुम्हें इतनी दिलचस्प लगती हैं।
तुम लोग नहीं समझ सकोगे। फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हमें ज़रूरत भी नहीं है फिलॉसफी समझने की, हम लाइफ को ईजी लेते हैं, इन्जॉय करते हैं। और तुम्हें भी ये मशवरा देंगे कि तुम भी इन्जॉय करो। वैसे भी ईमान जैसी लड़कियों के साथ ना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लगता है कि वो एक नहायत ही शरीफ और नेक लड़की है, तो मैं ये कहूँगा कि तुम उसके करीब जाओ, उसे एक मौका दो। अगर वो बाकी लड़कियों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना निकली ना, तो मेरा नाम बदल देना। सही कह रहा है ये।